साथियों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भीतर से सिहर जाएंगे, आप भावुक हो सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अतुल श्रॉफ, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं एक सैनिक की बातों को बयां करने की कोशिश करूंगा। वक्त भी है, दस्तूर भी है, तो उन जवानों को कैसे भूले जो हर वक्त हमारे इस जश्न को महफूज रखने के लिए सरहद पर तैनात है। किसी सिपाही ने ठीक ही कहा है, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूं, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूं। सीने से लगा लेना तुम मुझे ऐ भारत माता, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूं। कहती है मेरी माँ मुझसे कि बेटा, ऐसा लगता है कि अब तेरे पास वक्त नहीं मेरे साथ बिताने को। कह देता हूं दिल पे हाथ रख के कि क्या करूं माँ, भारत माँ ने बुलाया है अपने देश का हिफाजत के लिए। ओ माँ, जिसकी बातों को मैं कभी नहीं टालता, एक बार जो कह देती थी सीने से लगा जाता था। अपनी माँ की बातों को टालकर, अपने घर के बाहर अपने कदमों को रखकर सरहद पर निकल जाता हूं, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूं। और जब एक सैनिक से पूछा जाता है कि हर कब आओगे, तो सैनिक कहता है या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तो तिरंगा में लिपट कर आऊंगा, आऊंगा जरूर। ये सैनिक होता है, ये हमारे देश का सैनिक होते हैं। दोस्तों, देखा है मैंने कि एक गोली की आवाज पर हजारों की भीड़ तितर बितर हो जाती है। गरजती है तोपे, चलती है बंदूकें, मौत को सामने खड़ा देखकर भी मैं जय हिंद का नारा लगाता हूं, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूं। और दोस्तों, जब हमारे वीर जवान कश्मीर में जाते हैं तो उन पे पत्थर बरसाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया था कि जब एक वैन के द्वारा हमारे वीर जवान जा रहे थे तो कुछ वहां के राजनेता, कुछ राजनीतिक दल इस हमारे फौजियों पर पत्थर बरसाने के लिए उनके माइंड को वास किया गया था, उनको गुमराह किया गया था, नौजवान युवा को। और वे चाहे हमारे वीर जवान तो उन सबको गोलियों से भूंज सकते हैं, मगर ऐसा वे नहीं करते हैं। और हमारे देश का बहुत ही बड़ा हिस्सा, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमें महफूज रखने के लिए कश्मीर में खर्च होता है। दोस्तों, तो एक सैनिक क्या कहता है, सुनिए आप उसको। चलता हूं कश्मीर की सड़कों पर तो अपना बचपन याद आ जाता है, चलता हूं कश्मीर की सड़कों पर तो अपना बचपन याद आ जाता है। अगर एक बार कोई गाली दे देता था तो जुबान खींच के बाहर निकाल लेता था, मगर कश्मीर की सड़कों पर चलते हुए गालियां पड़ती हैं हमें, पत्थर बरसाए जाते हैं, बाहर ही कहा जाता है, कश्मीर छोड़ने को कहा जाता है। सुनकर उनकी गाली भी मैं खामोश रह जाता हूं, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूं। करता है जी मेरा कि उंगली ट्रिगर पर दबा दूं, दे रहा है जो गाली उसकी लाशें बिछा दूं, लेकिन सोचता हूं कि भाई है अपना, कश्मीरी हुआ तो क्या है, हिंदुस्तानी है, एक रोज मुझे अपने भाई समझकर अपने सीने से लगाएगा। बस यही सोचकर उसके गाली के बावजूद अपने कदमों को आगे बढ़ा जाता हूं, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा कॉम्बैट जोन कहाँ है? कॉम्बैट जोन यानी कि युद्ध का मैदान। इतना खतरनाक मैदान जहां कई तरफ से आपको मौतें आ सकती है। हो सकता है कि आप भरे दिन में सनबर्न की वजह से आप झुलस जाए, हो सकता है आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। फ्रॉस्ट बाइट यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर, जहां स्टील आपके त्वचा पे टच कर जाए तो कुछ देर में आपके चमड़ी को उखाड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन, मैं बात कर रहा हूँ सियाचिन के बारे में, हमारे वीर जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं मित्रों, जहाँ आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और मौत हो सकती है। दोस्तों, जहाँ बर्फ की तूफान आ सकती है, जहाँ आपके खाने के लिए कुछ नहीं रहता। दोस्तों, अगर सेब को कुछ देर तक रखते हैं
तो वह बर्फ के समान सख्त हो जाता है। आलू बनाना है तो आलू नहीं कटता मेरे दोस्त, उसे काटने के लिए गर्म पानी में उबालना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में हमारे वीर जवान रहते हैं, उनको अपने घर से महीनों दूर आइसोलेशन में रहना पड़ता है। इतना कम ऑक्सीजन जहाँ कि आपके अंग खराब हो सकते हैं, आपके अंग को काटना पड़ सकता है सुन के मारे, ऐसे सिचुएशन में रहते हैं। क्या ये पैसों के लिए रह रहे हैं? नहीं दोस्त, अपने देश से प्यार, अपने मातृभूमि से प्यार है उनको। दोस्तों, हमें महफूज रखने के लिए, हम सबको महफूज रखने के लिए हमारे वीर जवान तैनात रहते हैं दोस्तों। और कुछ नेता फिर भी सवाल उठाते रहते हैं, तो आइए सुनते हैं। जागता हूँ रात रात भर, दिन भर सरहद की हिफाजत करता हूँ, थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए, चैन की नींद लेने के लिए जब कमरे में आता हूँ, बड़ा दिल को दुख होता है जब टेलीविजन ऑन करता हूँ और टेलीविजन पर कुछ नेता आते हैं और यह कह जाते हैं कि भारत के जवान तो बदनीयत हो गई है, भारत की फौज बदनीयत हो गई है। साहेब, 16 डिग्री के तापमान पर एयर कंडीशनर रूम में सोने वालों, एक रात हमारे साथ बिता कर देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बदनीयत कौन है। 16 डिग्री के तापमान पर रहने वालों, तू क्या जाने कि सियाचिन के -50 डिग्री के सेल्सियस पर हम नौजवान कैसे जीते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। -50 डिग्री के सेल्सियस पर भी हम अपने दिल के खून को गर्म रख पाता हूँ, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूँ। दोस्तों, आए दिन आलोचना होती रहती है, कुछ नेता का यही काम है। दोस्तों, जब कोई हमला करते हैं हमारे वीर जवान, तो उसके लिए सबूत मांगा जाता है। दोस्तों, नेता लोगों से यही कहूँगा कि कुछ विकास का काम करिए आप लोग। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे वीर जवान, हमारे पुलिसमैन, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, जो भी संसाधन थी, उस संसाधन में इस कोरोना काल में सबको हेल्प किया। तो देखिए, आता है जब जब सैलाब देश में, जब जब दंगे छिड़ते हैं, हमें बुलाया जाता है, रखकर अपनी जिंदगी को हथेली पर, सैलाब में डूबती हुई जिंदगियों को बचाने चला जाता हूँ, इसीलिए तो मैं सैनिक कहलाता हूँ। और जो भी वीर जवान हो, जो भी सेना में हो, उन तक ये वीडियो शेयर करें, उनकी भी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाए। और मैं अपने दिल में अपने हिंदुस्तान को रखता हूँ, वह यह हिंदुस्तान है जिसकी मिट्टी में मैं पल भर कर बड़ा हुआ हूँ। गौर करता हूँ अपने देश पर और अपने ईश्वर को हजार बार धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुल्क में पैदा किया। इस मुल्क की खूबसूरत मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ। और मैं एक सैनिक की तरफ से, एक सैनिक की आवाज़ में, एक सैनिक के माध्यम से आप सभी हिंदुस्तानियों को सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत कम हैं जो आतंकवादी के जनाजे में शामिल होते हैं। ऐसे लोग करोड़ों हैं जो एक जवान के मौत पर अपने आंसू बहाते हैं और अपने दिल में जगह देते हैं। जय हिंद।